आप सभी का स्वागत है मैथमेटिकल पाठशाला में। तो दोस्तों आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, डायमेंशन और बेसिस से रिलेटेड। तो आज कल स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट अपना। तो मैं टॉपिक का नाम देता हूँ जनरेशन ऑफ बेसिस। तो बेसिस को जनरेट करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, कुछ खासियत बताता हूँ। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। आपको कोई भी वेक्टर स्पेस है वी ओवर एफ और एस उसका कोई भी सबसेट है, सच दैट एस इज एल डी। एल डी का मतलब क्या? लीनियरली डिपेंडेंट। और जैसे ही अगर आपका कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है ना, तो आप बोलते हो कि जीरो हैज अ नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। दिस इंप्लाइज जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू वी हैज अ नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जीरो इज सेम एज अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस अप टू अल्फा एन एक्स एन फॉर एक्स वन और एक्स आई बिलोंग्स टू एस एंड अल्फा आई बिलोंग्स टू एफ such that not all alpha is are zero, not all alpha is are zero, यानी कि एक ना एक आपको alpha i non zero मिलेगा, ठीक है? तो आपके पास zero का कोई ना कोई linear combination मिला, जो कि कैसा है? non trivial है। तो अगर ये non trivial है, तो कोई ना कोई alpha i ऐसा होगा जो non zero होगा। तो without लॉस ऑफ जनरलिटी, यानी कि बिना किसी सोचे समझे हुए एक चीज करते हैं, वो क्या करते हैं कि हम क्या मान लेते हैं, अल्फा के क्या है आपका? नॉन जीरो है। कोई भी आपने यहां से कोई भी आर्बिट्री अल्फा सेलेक्ट करा और उसको नॉन जीरो बोल दिया, तो लेट अल्फा के इज नॉन जीरो। तो जो नॉन जीरो है ना, उसको आप दूसरी साइड ले आइए। तो इसको अगर यहां पर लाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, अल्फा के एक्स के इज सेम एज समेशन आई इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n and i is not equal to k alpha i x i, और माइनस के साइन के साथ में आएगा, क्योंकि जो आपका अल्फा k वाला साइड है वो आप यहाँ ले गए, बाकी सारे के या उसको आपने वही रहने दिया, बाकी सबको आप इस साइड ले आए, ठीक है? तो ये माइनस में एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आपको पता है कि अल्फा k कहाँ से आ रहा है? फील्ड से आ रहा है, और फील्ड में हर एलिमेंट का इनवर्स तो एडजस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि आप क्या बोलते हो फील्ड की डेफिनेशन में, f स्टार इज अ is an abelian group, तो alpha k belongs to f, this implies there exists alpha k inverse belongs to f, यानी कि आपका field में आपका हमेशा inverse exist करेगा, this implies, तो अगर आप alpha k से divide करोगे पूरे expression में तो आपको क्या मिलेगा, x k is same as summation minus time alpha i, alpha k I is running from 1 to n and I is not equal to k x i, ये आपके पास एक्सप्रेशन मिलेगा। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ये आपका कोई ना कोई कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ये आपका फील्ड का एलिमेंट आएगा। एक्स आई कहां से आ रहे हैं आपके, एस में से आ रहे हैं, इसका मतलब ये है जो एक्स के है ना वो इन पर डिपेंडेंट हो रहा है। एक्स के क्या है, इन पर डिपेंडेंट हो रहा है। डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो पा रहा है। तो एक्स के किससे जनरेट हो जा रहा है, इससे जनरेट हो जा रहा है। तो एक्स के इज जनरेटेड बाय स्पैनिंग सेट ऑफ एस माइनस एक्स के माइनस एस के। तो आपने क्या करा, एस में से एक्स के वाला एलिमेंट हटा दिया, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट, क्योंकि यहां पे कौन कौन जाएंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स आई और एक्स के वाला टर्म नहीं आएगा, क्योंकि एक्स के को आप हटा चुके हो, तो एक्स के वाला टर्म तो आएगा नहीं यहां पर। तो जो आपका एक्स के है ना, वो आपका एस माइनस एक्स के से जनरेट हो जाएगा, यानी कि ये इसके स्पैनिंग सेट में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो उसमें से आप हमेशा एक वेक्टर ऐसा बना सकते हो, यानी कि जो जिसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, तो वो वाला वेक्टर दूसरे वेक्टर पे हमेशा डिपेंडेंट बन जाएगा, वो वेक्टर जो होगा वो दूसरे वेक्टर पे डिपेंडेंट बन जाएगा। तो एक्स के आपका किससे जनरेट हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स आई वेयर एक्स एंड वेयर आई इज नॉट इक्वल टू के। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि अगर आपके पास कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, आपके पास एक वेक्टर ऐसा जरूर मिलेगा, एटलीस्ट एक वेक्टर ऐसा जरूर मिलेगा जो दूसरों के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट
हो पा रहा होगा, जो दूसरों के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो पा रहा होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी ओवर एफ, यानी एस कोई भी वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट है, एंड एक कंडीशन लगाता हूं मैं, एस जनरेट्स वी, एस जनरेट्स वी या फिर एस स्पेंस वी, यानी जो वी है वो एस से जनरेट हो जा रहा है। और एक कंडीशन और लगाते हैं, इफ एस इज एलडी, इफ एस इज एलडी, तो अगर आपका एस एलडी है तो आप विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी क्या मान लो कि जो आपका एक्स वन वेक्टर है ना वो बाकी आपके अदर से जनरेट हो जा रहा है। तो अगर आपका ये एस एलडी है, दिस इंप्लाइज देयर मस्ट एग्जिस्ट सम एक्स आई बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स आई कैन बी जनरेटेड बाय एस माइनस एक्स आई, यानी कि आपके पास एक ना एक वेक्टर ऐसा मिलेगा एस में जो एस माइनस एक्स आई से जनरेट हो पा रहा होगा। तो मैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी क्या मान के चलता हूं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि आई की वैल्यू मैं 1 सेलेक्ट कर लेता हूं, आई की वैल्यू मैं 1 सेलेक्ट कर लेता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स वन होगा ना वो बाकी औरों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसको 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, लिखा जा सकता है फॉर ऑल अल्फा इज कमिंग फ्रॉम फील्ड एंड एक्स आई आर कमिंग फ्रॉम एस। X1 is equal to some alpha 2 X2 plus alpha 3 X3 plus up to alpha n Xn। तो ये condition है, अगर आपके पास कोई भी linearly dependent set है तो उसमें एक vector ऐसा जरूर मिलेगा जो बाकी औरों के linear combination से generate हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या माना है कि X1 मान लिया कि इनके linear combination से generate हो जा रहा है। तो अब देखते हैं, अब मैं आपको एक बहुत important चीज़ बताने वाला हूँ। आपको पता है कि जो S है ना वो span कर रहा है B को, और S कैसा है LDA, तो जो x1 है ना वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। इसमें से मैं एक नया सेट डिफाइन करता हूं, एक s1 बनाया मैंने जिसको नाम दिया s माइनस x1, यानी कि उसमें से s में से मैंने वो वेक्टर हटा दिया जो आपका क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो s1 है ना वो भी आपके v को जनरेट कर देगा, वो भी आपके v को जनरेट कर देगा। तो अब इसको देखते हैं कि जो ये वाला सेट होगा ना ये कैसे v को जनरेट करता है। अब आपको ये शो करना है कि S1 generates V। तो मैं मान लेता हूँ, let X belongs to V। आप V का कोई भी मेंबर लो, आपको पता है कि जो S है ना वो V को जनरेट कर रहा है। This implies there must exist alpha 1, alpha 2, alpha n belongs to Fn, यानी कि alpha 1, alpha 2, alpha n एक टपल ऐसा मिलेगा जो Fn में से आ रहा होगा, और some vector Y1, Y2 yn belongs to s, यानी कि s के कुछ मेंबर होंगे जिनसे कि ये जनरेट हो रहा होगा। x is equal to summation I equal to 1 to n alpha I yi, alpha I yi, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपके yi है ना वो आपके कहाँ से आ रहे हैं, s में से आ रहे हैं, वो आपके s में से आ रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, आप बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि ये चीज ऐसी है ये एस्केप हो जाएगी ना तो आपका पूरा का पूरा बेसिस का कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझना, इफ वाई आई इज नॉट इक्वल टू एक्स आई फॉर ऑल आई, अगर आपका जो वाई आई आपने सिलेक्ट करे जो एस में से आ रहे हैं वो आपके एक्स आई के इक्वल नहीं है फॉर ऑल आई, और आपका जो एस वन सेट था वो क्या था, एस माइनस एक्स वन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपने एक्स वन मेंबर उसमें से हटाया था। तो जो वाई आई है वो एक्स वन के इक्वल नहीं, एक्स आई के इक्वल नहीं है फॉर ऑल आई, और वाई आई अभी कहाँ से आ रहे हैं, एस में से आ रहे हैं। तो अगर आप इस वाले सेट में से x1 माइनस करोगे तो जो आपके वाई आई है वो एक्स आई के इक्वल नहीं है, तो वाई आई कहाँ से आ रहे होंगे, एस1 में से ही तो आ रहे होंगे। दिस इंप्लाइज वाई आई बिलोंग्स टू एस1, ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि वाई आई में वो मेंबर जो एस1 में कौन से मेंबर आ रहे हैं, जो आपके एस में मेंबर है उसमें से आपने सिर्फ एक्स1 हटाया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वाई आई एक्स आई के इक्वल नहीं है, कोई भी वाई आई एक्स आई के इक्वल नहीं है। तो जो ये सारे के सारे वाई आई है ये सारे के सारे आपके S1 के ही तो मेंबर आ रहे होंगे। अगर ये सारे S1 के मेंबर आ गए तो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ कि S1 span V, एक ही कंडीशन आई, क्योंकि Y1 आपके साथ यहाँ पे YI कर लीजिए और YIs are coming from S1, अगर ये सारे यहाँ से आ रहे हैं और आप V के हर मेंबर को इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका S1 सेट है ना वो जनरेट कर देगा V को,
यानी कि एस वन स्पेंस बी, एक तो ये कंडीशन है, लेकिन एक सेकेंड कंडीशन और है, वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई फॉर सम आई, फॉर सम आई, अगर आपके वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई है फॉर सम आई, तो इस पे बात करते हैं। तो अगेन विदाउट ऑल्सो जनरलिटी मैं क्या मान लेता हूं कि एक्स वन इज सेम एज वाई वन, यानी कि आपके पास क्या होगा वाई वन और एक्स वन की कहीं ना कहीं पर सेम वैल्यू आ रही है, या फिर दोनों ही सेम वेक्टर हैं। अगर ये दोनों ही सेम वेक्टर हैं तो फिर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, यहां पर अगर x1 is equal to y1 है तो आप x को कैसे लिख पा रहे हो, समेशन अल्फा वन y1 करके लिख पा रहे हो, समेशन अल्फा i y i, फिर i is running from 1 to n ऐसे करके आप लिख पा रहे हो। और देखो, और आपने x को कैसे लिखा था, क्योंकि x को s भी जनरेट कर रहा था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन i is running from 1 to n अल्फा i x i, क्योंकि जो x i है वो भी s के मेंबर है, yi है yi को आप कोई भी लीनियर को yi को लेकर के आप x कैसा भी वेक्टर लिख पा रहे हो, यानी कि yi के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप कोई भी x जनरेट कर पा रहे हो। और आपने पहले ही अज्यूम करा था कि जो आपका s है ना वो जनरेट कर रहा है v को, तो s के अगर मेंबर में x1 x2 xn टाइप के सिलेक्ट करता हूं तो x हमेशा उनसे जनरेट हो जाएगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन पे आते हैं, इसको अगर आप खोल के लिखोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा 1 x1 प्लस अप टू अल्फा n xn आ जाएगा। अब आपको पता है जो हमने s लिया था वो l ही था, और उसमें जो x1 वेक्टर था ना वो बाकी के और वेक्टर पे डिपेंड कर रहा था, तो हमने अल्फा 1 x1 को आप कैसे लिख पा रहे, समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 1 रनिंग फ्रॉम 2 टू n सम बीटा i और xi, कोई अलग कांस्टेंट या फिर आप सेम इसको अल्फा भी मान सकते हो, सम बीटा i xi प्लस समेशन, या इसको सेम ही मान लेते हैं, अगर सेम मान के चल रहा है तो समेशन i इज रनिंग फ्रॉम 2 टू n, जो यहां पे रिमेनिंग टर्म बचेंगे वो क्या बचेंगे, अल्फा i xi टाइप के बचेंगे, अल्फा i xi टाइप के बचेंगे। तो अब यहां पर टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा 1 ये समेशन है ना, तो अब ये देखो अगर आप इसको अंदर भी लेकर जाओगे, इसको अंदर लेकर जाओगे तो अल्फा 1 अल्फा i xi, तो ये क्या आ जाएगा आपका, तो मैं इस कांस्टेंट को कोई नया नाम दे देता हूं, सम बीटा i प्लस जो यहां का कांस्टेंट आएगा अल्फा i, और आपका बाहर क्या आ जाएगा xi आ जाएगा, फिर i इज रनिंग फ्रॉम 2 टू n, मैंने क्या करा अल्फा n को सिंपल अंदर लेकर, तो अल्फा 1 अल्फा i कांस्टेंट को मैंने एक नया नाम दिया सम बीटा i, तो बीटा i प्लस अल्फा i x1 सॉरी xi हो जाएगा ये। तो यहां पे आपका जो x1 है ये जो x i है वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि जो x है ना वो x2 x3 x4 से जनरेट हो जा रहा है, यानी कि जो x है ना वो किससे जनरेट हो जा रहा है आपका x2 x3 xn इन सब से जनरेट हो जा रहा है। और आपने क्या लिखा था कि जो आपका s1 सेट है ना वो सिर्फ s माइनस x1 है, सिर्फ s माइनस x1 है। तो अगर आप इसमें से x1 घटा भी दोगे तो भी तो आपका x जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो x1 आ ही नहीं रहा है, तो अगर इसमें से x1 हटा भी दे रहे हो तो भी जो आपका वेक्टर कोई भी वेक्टर आप v से ले रहे हो आप उसको x2 x3 xn से जनरेट कर पा रहे हो। दिस इंप्लाइज s1 इज इक्वल टू v, यानी कि जो आपका s1 होगा ना वो भी आपके v को स्पैन कर देगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका कोई भी वेक्टर स्पेस है और आपके पास कोई भी उसका सबसेट है जो उसको जनरेट कर दे रहा है, जो उसको जनरेट कर दे रहा है और वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो जैसे जैसे आप उसमें से लीनियरली डिपेंडेंट वाले मेंबर हटाते जाओगे ना तो भी उसके स्पैनिंग सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिखते हैं एक बार, लेट एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी सच दैट एस स्पैन वी And S is LD. अगर आपके S LD है, तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ X1, X2, up to some XK are dependent on XK plus 1, XK plus 2 और XN. यानी कि आपके कुछ first XK जो member है ना S के, वो linearly dependent है किस पर? XK plus 1, XK plus 2 और XN पर. तो अगर आप यहां पर एक नया सेट S1 बनाओगे S- X1
एक्स टू एक्स के, यानी कि जो आपका पहले वाला सेट था आप उसमें से सिर्फ वो मेंबर हटाओ जो लीनियरली डिपेंडेंट है अदर मेंबर पे। अगर आपने उसमें हटा दिया तब भी जो आपका एस वन है ना वो आपके वी को जनरेट कर देगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी स्पैनिंग सेट है ना और उसमें से आप लीनियरली डिपेंडेंट मेंबर उठा रहे हो उनको फेंक दे रहे हो, लीनियरली डिपेंडेंट मेंबर उठा रहे हो और फेंक दे रहे हो, तब भी आपका स्पैनिंग सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी उसको स्पैन करेगा, वो तब भी उसको स्पैन करेगा। तो ये भी बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी है स्पैनिंग सेट की। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ एस पी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, वी ओवर एफ कोई भी वेक्टर स्पेस है और एच उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, और क्या प्रॉपर्टी है, S is linearly independent. S is linearly independent. If X कोई आपका कोई भी एक in general member है X, which does not belong to spanning set of S. आपके पास कोई भी S है जो कि वेक्टर स्पेस का सबसेट है और वो Li है, linearly independent है, मतलब जीरो के पास सिर्फ और सिर्फ जीरो ही, जिससे फॉर सिर्फ ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप कोई भी एक ऐसा मेंबर ले रहे हो जो उसके स्पैनिंग सेट से जनरेट नहीं हो रहा, जो आपके एस से जनरेट नहीं हो रहा, दिस इंप्लाइज एस यूनियन एक्स इस सेट को मैं नाम दो एस वन, एस यूनियन एक्स तो जो ये सेट होगा ना, ये सेट भी अपने आप में कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि अगर आपके पास कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है आपको क्या करना है, कोई उसमें वेक्टर ऐड करना है, तो अगर आप उसमें कोई भी वेक्टर उठाओगे और ऐसा वेक्टर उठाओ जो एस से जनरेट नहीं हो रहा हो, तो जो आपका नया सेट बनेगा एस यूनियन एक्स वो भी आपका क्या बनेगा, अगेन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही आप एक मेंबर की जगह और सारे मेंबर डाल सकते हो, जो बाकी जो आपके सेट बनते जा रहे हैं इन सब पे क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, यानी कि इनके स्पैनिंग सेट से जनरेट ना हो रहे हो। तब आप बोलोगे कि जो आपके सेट बन रहे हैं S union sum X1, X2 sum XK, this is also Li subset, this is also Li subset, तो ये प्रॉपर्टी है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं B over F को क्या लेता हूं, बहुत सिंपल सा वेक्टर स्पेस R square over R लेता हूं, एक S इसका सबसेट लेते हैं sum 1, 0, एक मेंबर लिया मैंने L 1, 0, तो ये क्या ये Li है? एवरी नॉन ट्रिवियल सिंगलटन सेट इज Li, बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हो। अगर ये Li होगा तो इसके पास जीरो का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सिर्फ ट्रिवियल होगा, तो अल्फा टाइम 1, 0 ये जीरो वेक्टर के इक्वल कब होगा, जब अल्फा जीरो हो, तो अल्फा इसमें हमेशा जीरो बन जाएगा, यानी कि जीरो हैज ओनली ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इंप्लाइज S इज Li। यहां पे जो आपका S है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट बन जाएगा। तो इसका स्पैनिंग सेट क्या होगा, यानी कि अल्फा टाइम 1, 0 व्हिच इज सेम एज अल्फा, 0 ये इसका स्पैनिंग सेट बनेगा। तो आप एक मेंबर ऐसा उठाओ यहां का जो इसके लीनियरली इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से ना जनरेट हो पाए। मैं एक x डिफाइन करता हूं सिंपली 1, 1 ले लेता हूं, तो 1, 1 और अल्फा, 0 ये हमेशा एल ही रहेंगे, सॉरी ये हमेशा एल आई रहेंगे, क्योंकि आप इससे इसको जनरेट नहीं कर पाएंगे या फिर इस वाले से इसको नहीं बना पाएंगे। तो एक्स इज, तो जो एक्स होगा ना एक्स बिलोंग नहीं करेगा स्पैनिंग सेट ऑफ एस के में, यानी कि जो एक्स है वो एस के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट नहीं हो पाएगा। तो जो आपका नया सेट बनेगा ना एस यूनियन एक्स इज एल आई, तो जो आपका ये सेट बनेगा ना ये Li बनेगा, क्योंकि जो X है ना वो S के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट नहीं हो पा रहा था, तो आप उसमें जो भी वेक्टर ऐसे डालोगे जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट नहीं हो रहा हो वो हमेशा Li सेट बनेगा। तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि 1, 1 एंड जो आपका पहला वाला मेंबर था 1, 0 ये दोनों सेट आपके क्या, ये दोनों ये पूरा सबसेट कैसा है आपका Li सबसेट है, ना तो ये इससे जनरेट हो पाएगा ना ये इससे जनरेट हो पाएगा, यहाँ पर भी जीरो का सिर्फ ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है आप उसमें और वेक्टर उठाओ और ऐड कर देता हो, और ऐड कैसे कर रहे हो,
कि जो आप ऐड कर रहे हो ना वो रिमेनिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट नहीं हो पा रहा, तो ऐसे वेक्टर को आप ऐड करते जाओगे वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही बनने वाला है। तो अब बेसिस की डेफिनेशन लिखते हैं। बेसिस की वैसे कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन है लेकिन मैं यहाँ पे तीन डेफिनेशन का यूज करूंगा, तो आपको जो अच्छी लगे आप वो यूज कर सकते हो। नंबर वन, बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। तो जो मैंने पहले स्पैनिंग सेट लिया था ना, अगर मैं लीनियरली डिपेंडेंट ले रहा हूँ और उसमें से वो सारे मेंबर हटा दे रहा हूँ जो लीनियरली डिपेंडेंट है, तब भी वो जनरेट कर रहा था वी को, तो मैंने एक एक करके क्या करा, सारे के सारे लीनियरली डिपेंडेंट जो वेक्टर थे उसमें वो सारे हटा दिए, सिर्फ और सिर्फ उनको कैसे रहने दिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहने दिया, तो तब भी वो वी को जनरेट करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। तो आपको किसी भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट को लेना है जो वी को जनरेट कर रहा हो, उसमें से फिर आपको क्या करना है, जो जो आपके लीनियरली डिपेंडेंट है ना उन सबको हटा देना है, तभी वो आपके वी को जनरेट करेगा और वो आपका स्मॉलेस्ट भी बचेगा, तो बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। कोई भी स्पैनिंग सेट लो, तो अगर उससे छोटा कोई स्पैनिंग सेट मिल रहा है तो वो बेसिस बनेगा, अगर उससे भी छोटा मिला है तो वो वाला बेसिस बन जाएगा, तो आपको स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। अब बात करते हैं, बेसिस इज द लार्जेस्ट एलआई सेट। यानी कि अगर आपके पास कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, आप उसमें वो मेंबर डाल रहे हो जो अगेन उन पर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे करके आप सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर उनमें डाल दो। जब आपके सारे वो डल जाएंगे ना, तो अब जो आपका सेट बनेगा वो आपका लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनेगा, क्योंकि उसमें एक भी मेंबर ऐसा नहीं होगा जो दूसरों के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो पा रहा हो। तो जब आपके पास ऐसा हो जाएगा ना, तब वो सेट अपने आप में क्या बनेगा, बेसिस बनेगा। तो बेसिस की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, बेसिस इज द लार्जेस्ट एलआई सेट। तो जो आपका लार्जेस्ट एलआई सेट बनेगा ना, वो आपका बेसिस बनेगा। अब देखते हैं एक और डेफिनेशन, लेट बीटा इज अ सबसेट ऑफ वी ओवर एफ इज कॉल्ड बेसिस इफ, नंबर वन कंडीशन, बीटा स्पैन्स वी, एंड नंबर टू कंडीशन, बीटा इज एलआई। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है जो आप सब लोग बुक में पढ़ते हो, लेट बीटा बी अ सबसेट ऑफ वी ओवर एफ इज कॉल्ड बेसिस इफ बीटा जनरेट्स वी एंड बीटा इज एलआई। तो आपके पास कोई भी ऐसा सेट है जो वी को जनरेट कर दे रहा है और वो अपने आप में एलआई है, तब आप उसको क्या बोलोगे कि वो हमारा बेसिस बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं अपना डायमेंशन। तो डायमेंशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन यानी कि आपके पास बेसिस में जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हो, आप उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डायमेंशन बोलते हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। यहां से बेसिकली क्वेश्चन आता है, आपसे डायरेक्टली बेसिस का क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन डायमेंशन के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो अब कुछ वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हायर एग्जांपल्स पे लेके जाएंगे। सबसे सिंपल वेक्टर स्पेस लिखता हूं मैं, R ओवर R। तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, वन टपल में होंगे, सम A, वेयर A इज कमिंग फ्रॉम R, वेयर A इज कमिंग फ्रॉम R। तो ये आपके कोई भी मेंबर है, तो मैंने कोई भी एक मेंबर लिया X belongs to Z, और उसको कैसे लिखा, कोई भी आपने एक अल्फा सेलेक्ट करा, वेयर अल्फा इज नॉन जीरो, सॉरी वेयर अल्फा इज बिलोंग्स टू R, और अगर इसको आप नॉन जीरो कर दोगे, कोई भी आप नॉन जीरो एलिमेंट ले लो, ठीक है, X आपने कोई भी अल्फा लिया, फिर अल्फा इज कमिंग फ्रॉम R स्टार। तो अगर आप इसका जनरेटिंग सेट देखोगे, इसका जनरेटिंग सेट क्या हुआ, सम बीटा टाइम अल्फा। तो यहाँ पे आप याद रखना, जो अल्फा है ना वो वेक्टर स्पेस का मेंबर है और वो भी नॉन जीरो मेंबर है, तो जो बीटा होगा वो आपका R से आ रहा है
और अल्फा आपने कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट सेलेक्ट करा है, अल्फा आपने कोई नॉन जीरो एलिमेंट सेलेक्ट करा है, तो बीटा अल्फा होगा, ये पूरे के पूरे आर को जनरेट कर पाएगा। बीटा क्या है? रियल नंबर है। अल्फा क्या है? कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है। तो जो ये एक्सप्रेशन है ना, ये आपके पूरे के पूरे आर को ही जनरेट कर देगा। अगर आपके पास कोई भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है और एक कोई भी जीरो कोई भी रियल नंबर, उन दोनों के प्रोडक्ट से आप हमेशा कोई भी रियल नंबर जनरेट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका बेसिस है ना वो क्या बना, सिंपली एक्स ही तो बना। बेसिस का मतलब क्या है, वो है आपका एलआई होना चाहिए और स्पैन करना चाहिए। तो ये स्पैन तो कर रहा है क्योंकि ये आपका पूरे आर को स्पैन कर रहा है, और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट डाला है। तो मैंने बताया एवरी नॉन ट्रिवियल सिंगलटन एलिमेंट, एवरी नॉन जीरो सिंगलटन एलिमेंट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैंने अभी आपको प्रूफ करके बताया था। तो जो बीटा है ना वो आपके बेसिस बनेगी। अब इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक एलिमेंट आ रहा है, तो डायमेंशन ऑफ आर ओवर आर कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। डायमेंशन ऑफ आर ओवर आर वन हो जाएगी। एक्स चलते हैं, अगर मैंने बी को सिलेक्ट करा आर स्क्वायर ओवर आर, आर स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो आप इसमें क्या करो ना, आप इसके कोई भी एलिमेंट लो, आपने एक एक्स एलिमेंट लिया, या जो इसके एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, सम टपल्स में होंगे, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी आर कमिंग फ्रॉम फील्ड, ये आपके इस टाइप के टपल में होंगे। तो अगर आपको इस टाइप के टपल को जनरेट करना है, इस टाइप के टपल को जनरेट करना है, तो आप एक मेंबर ले लो सम ए कॉमा जीरो, और एक वाई मेंबर ले लो सम जीरो कॉमा बी, और क्या कंडीशन लगा दो कि ए इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी इज नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहाँ पे जो आपका x है ना वो क्या है, a कॉमा जीरो है, और a कहाँ से आ रहा है, नॉन जीरो रियल नंबर से, और y का डिपेंड है मैंने जीरो कॉमा बी, बी बिलोंग्स टू r स्टार, यानी कि ये भी कोई नॉन जीरो रियल नंबर है। तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि जो x कॉमा y है ना वो आपके पूरे के पूरे आर स्क्वायर आर को जनरेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ का मेंबर आपका यहाँ से जनरेट हो जाएगा, और ये वाला मेंबर आपका यहाँ से जनरेट हो जाएगा, और बाकी के इनके पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन से आपके जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे जो एक्स वाई है ना वो जनरेट कर रहा है आर स्क्वायर आर। तो अब ये वेरीफाई करना है क्या ये एलडी, क्या ये एलआई है, क्या ये एलआई है। तो आप देखोगे यहाँ से आप जितने भी कॉन्स्टेंट का मल्टीपल कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो फर्स्ट वाली एंट्री को ही आप चेंज कर सकते हो, दूसरी एंट्री जीरो रखनी है, यानी कि आप दूसरी एंट्री पर कभी भी कोई नॉन जीरो नंबर नहीं बना सकते, यानी कि इस वाले वेक्टर से आप ये वेक्टर कभी नहीं बना सकते। और ये दोनों ये दिखाता है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, एलआई हैं, ये दोनों आपस में एलआई हैं। तो ये इसकी बेसिस क्या बनी, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि ये आपका एलआई भी है और जनरेट कर रहा है, तो इसकी डायमेंशन, क्योंकि यहां बेसिस में दो एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन दो। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस आर एन ओवर आर गिवन है, आर एन ओवर आर गिवन है, तो उसकी डायमेंशन, उसकी डायमेंशन एन हो जाएगी। बस ये वाला वेक्टर स्पेस और ये सेम होना चाहिए, यहाँ पे आर एन है तो फील्ड भी आर लेके चलोगे। अगर आप फील्ड चेंज कर दोगे, क्यू ले लोगे या कोई अलग फील्ड ले लोगे, तो वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली, तो उन पे बात करेंगे। तो इस केस में इसकी डायमेंशन एन रहने वाली है। अब दूसरे किसी केस पे बात करते हैं, अगर मैं वेक्टर स्पेस डिफाइन करता हूँ, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n cross n matrices such that aij are coming from r, यानी कि set of all n cross n matrix की बात कर रहे हैं, तो इसकी dimension कितनी होगी। बहुत simple सा question है, आप लोगों को पता है, अगर मैं इससे कोई member a लेता हूँ तो कैसा होगा, सब a11 a12 a1n an1 an2 तो ann, तो मेरे को इसकी basis निकालनी पड़ेगी। तो बेसिस अगर मैं निकाल लूंगा तो उसके एलिमेंट काउंट कर सकता हूँ, उसके लिए मैं बेसिस बनाऊंगा। तो बेसिस के लिए मेरे को क्या चाहिए, वो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस को जनरेट करनी चाहिए, पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करनी चाहिए और लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो अगर आपको इस टाइप के मेंबर को जनरेट करना है, अगर आपको इस टाइप के मेंबर को जनरेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेंबर लेना पड़ेगा जहाँ पे A11 वाली एंट्री जनरेट हो जाए, एक ऐसा जहाँ पे A12 एंट्री जनरेट हो जाए, एक ऐसा जहाँ A1n एंट्री जनरेट हो जाए। तो इसके बेसिस में कुछ इस टाइप के एलिमेंट तो आएंगे, अगर मैं फर्स्ट एंट्री 1 ले लेता हूँ और बाकी रिमेनिंग
जीरो ले लेता हूं, तो इस वाले से आपका ए वन वन वाली एंट्री जनरेट हो जाएगी, क्योंकि इसका आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो अल्फा इंटू वन जीरो 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 जीरो, तो फर्स्ट एंट्री आ जाएगी अल्फा, और अल्फा कोई भी रियल नंबर है, तो यहां से आपकी ये एंट्री जनरेट हो जाएगी। सेकंड, अगर आपको ये वाली एंट्री जनरेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री की जगह वन रखो, बाकी रिमेनिंग जगह जीरो रख दो, तो इस वाले से आपकी सेकंड एंट्री जनरेट हो जाएगी। ऐसे करते 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 आपको लास्ट एंट्री जनरेट करनी है तो सारी एंट्री को जीरो रखो और लास्ट एंट्री को वन रख दो, यानी कि आपकी इस वाले से ए वन ए एनथ वाली एंट्री जनरेट हो जाएगी। और आप वेरीफाई कर सकते हो ये सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो फर्स्ट वाली एंट्री ही जनरेट कर पाओगे, सेकंड एंट्री नहीं जनरेट कर पाओगे, सेकंड वाली का लोगे तो थर्ड वाली जनरेट नहीं होगी, और इन सबका भी ले लोगे तब भी आपकी लास्ट वाली जनरेट नहीं हो पाएगी, तो ये सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये आपकी बेसिस बनेगी। तो डायमेंशन कितनी होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, तो बेसिस में कितने एलिमेंट है, जितनी यहाँ एंट्रीज है, टोटल एंट्री कितनी है, एन रोज है, एन कॉलम है, तो एन इंटू एन, एन इंटू एन, तो आपके पास इसकी डायमेंशन कितनी आई, एन स्क्वायर आई। अब इसकी डायमेंशन एन स्क्वायर आई, तो इसका एक सब स्पेस भी डिफाइन कर लेते हैं, उसकी डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। मैंने एक इसका सब स्पेस डिफाइन करा, सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस सच दैट ए आई जे इज सेम एज ए जे आई, तो ये इसका एक सब स्पेस बन जाएगा। तो इसमें देखो कौन कौन से मैट्रिक्स आ रहे हैं, इसमें वो सारे मैट्रिक्स आ रहे हैं जिनके लिए एंट्री में क्या कंडीशन है, ए आई जे इज सेम एज ए जे आई, तो ए आई जे इज सेम एज ए जे आई इसका मतलब क्या है, यानी कि आप ith एंट्री को j से चेंज कर सकते हो और jth एंट्री को i से चेंज कर सकते हो, तो आपको रिजल्टेंट सेम मिलने वाला है। यानी कि अगर आप इसको इन जनरल वे में देखोगे तो a21 is same as a12, a13 is same as a31, यानी कि आपके पास क्या मिल रहे हैं, v के वो सारे मैट्रिक्स आ रहे हैं जिनका ट्रांसपोज करने पर मेरे को a ही मिल जा रहा है, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही अगर मेरे को डायमेंशन फाइंड करनी है तो आइए फाइंड करते हैं, इसका अगर कोई भी मेंबर लूंगा तो कैसा होगा, a11 a12 a1n a21 an1 ann, तो ये इसका कोई भी मेंबर है, और क्या कंडीशन है, aij is same as aji, ij एंट्री ji एंट्री के सेम है। तो अगर आपको पहले देखो इस वाली कॉलम की फर्स्ट वाली रो की बात करते हैं, इसमें हम सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली एंट्रीज निकालते हैं, तो a11 को जनरेट करने के लिए एक एंट्री चाहिए, यानी कि एक वेक्टर चाहिए जो कैसा होगा, फर्स्ट एंट्री पे 1 बाकी रिमेनिंग जगह 0, तो 1 0 0 0 0 0 0, इस टाइप से a11 एंट्री जनरेट होगी, तो एक चॉइस इसको जनरेट करने के लिए एक चॉइस चाहिए। लेकिन अगर आपने इसको जनरेट कर लिया तो इसको जनरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नेक्स्ट एंट्री इसकी a22 आएगी, इसकी एंट्री 13 आएगी, ये वाली एंट्री a31 आएगी, ठीक है। तो अगर आपने इसको जनरेट कर लिया तो इसको जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि a12 इज सेम एज a21, तो एक चॉइस इसके लिए, एक चॉइस इसके लिए, ऐसे यहाँ पर सबके लिए एक एक चॉइस बनेगी, तो टोटल चॉइस कितनी हो जाएगी, n चॉइस हो जाएंगी, क्योंकि a11 के लिए एक वेक्टर चाहिए, a12 के लिए एक वेक्टर चाहिए, a13 के लिए एक वेक्टर, और a1n के लिए एक वेक्टर चाहिए, तो टोटल कितने वेक्टर चाहिए, n वेक्टर चाहिए जो इन ऊपर वाली एंट्रीज को जनरेट करें। अब बात करते हैं इस वाली रो में देखोगे तो a21 एंट्री तो यहां से जनरेट होगी, इसको जनरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, a22 को जनरेट करने के लिए एक चाहिए, नेक्स्ट एंट्री a23 आएगी, तो a23 को जैसे ही आप जनरेट कर लोगे तो 32th एंट्री को जनरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, a23 को अगर आपने जनरेट कर लिया a23 को तो आपको a3 को जनरेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी एंट्री हो जाएगी, एक एंट्री कम हो जाएगी, तो यहाँ कितनी एंट्री चाहिए आपको, n-1 वेक्टर चाहिए इस पूरी रो को जनरेट करने के लिए। ऐसे अगर आप थर्ड वाले पर आओगे ना तो a31 आपका a13 से जनरेट हो जाएगा, a23 से आपका a32 जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एंट्री चाहिए होगी n-2, यानी कि आपको क्या कौन कौन से एलिमेंट काउंट करने हैं, अपर डायगनल और मिड डायगनल वाले काउंट करने हैं, डायगनल वाले और उसके ऊपर वाले, तो डायगनल वाले काउंट कर लो और ऊपर वाले काउंट कर लो, तो आपके नीचे वाले तो अपने आप ही
आपको मिल जाएगी ना, क्योंकि आपके पास कंडीशन है aij is same as aj i, तो जो आपकी एंट्री यहां मिल रही होगी वो आपको यहां से जनरेट हो जाएगी, या ये वाली एंट्री यहां से जनरेट हो जाएगी। तो आपको सिर्फ डायगनल वाले काउंट करने हैं और डायगनल से ऊपर वाले काउंट करने हैं। तो इसके लिए n एंट्रीज, इसके लिए n माइनस 1 चॉइसेस, ऐसे नीचे आ जाएंगे तो एक एक चॉइस सब में कम होती जाएगी। लास्ट वाले भी आपको किसको जनरेट करना है, सिर्फ एक सही होगा ए एन एन को जनरेट करने के लिए, क्योंकि इससे पहली वाली एंट्री क्या आएगी ए एन एन माइनस वन, और यहाँ वाली एंट्री आएगी ए ए एन माइनस वन एन। तो आप इसको तो इससे ऊपर जनरेट कर चुके होंगे, तो इसको जनरेट कर चुके होंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे ऊपर यहाँ जनरेट कर चुके होंगे तो इनसे अभी एंट्री की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट एंट्री है ए एन एन वाली एंट्री, तो इसको जनरेट करने के लिए वन चॉइस। तो टोटल चॉइस कितनी होगी, n plus n minus 1 plus up to 1, तो ये summation n का ही तो formula है, n plus n minus 1 plus up to 1, यानी कि 1 plus 2 plus 3 plus up to n, यानी कि summation of first n entries, तो ये कितना हो जाएगा आपका n into n minus 1 by 2, यानी कि ये आपकी dimension है किसकी, जो आपके symmetric matrix का space बनता है, जो आपके symmetric matrix का space बनता है, ये उनकी dimension हो जाएगी। अब एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, देखते हैं लेट एफ, लेट एफ ओवर एफ डैश बी अ वेक्टर स्पेस वेयर एफ डैश इज अ सबफील्ड ऑफ एफ। एफ ओवर एफ डैश आपका कोई भी वेक्टर स्पेस है और एफ डैश क्या है, कोई भी सबफील्ड है एफ की। और डिफाइन करते हैं कि एफ डैश ओवर एफ डैश is a vector space and f dash f double dash is a subfield of f dash। यहाँ पे क्या चीज़ है, आपके पास f over f dash भी a vector space है और f dash क्या है, field subfield है f की, और f dash over f double dash ये कोई अलग vector space है, जहाँ पे क्या condition है कि f double dash is a subfield of f dash। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डायमेंशन ऑफ एफ ओवर एफ डबल डैश, ये कितनी होती है, डायमेंशन ऑफ एफ ओवर एफ डैश इनटू डायमेंशन ऑफ एफ डैश ओवर एफ डबल डैश। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हो, आपको सिर्फ एफ ओवर एफ डबल डैश की बेसिस फाइंड करनी है, तो वहां से ये बिल्कुल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। और जिन लोगों ने अगर एमएससी में फील्ड थ्योरी पढ़ रखी है उन्होंने इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, बीएससी वाले स्टूडेंट ने नहीं करा होगा तो वो इसका प्रूफ बहुत इजीली कर सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एफ ओवर एफ डबल डैश इज सेम एज डायमेंशन ऑफ एफ इनटू एफ डैश इनटू डायमेंशन ऑफ एफ डैश ओवर एफ डबल डैश। तो यहां से एक कांसेप्ट और आता है, अगर बीटा वन क्या है, इस बेसिस ऑफ वी वन, अब वी वन को क्या नाम दे दो, एफ ओवर एफ डैश नाम दे दो, एंड बीटा टू इज बेसिस ऑफ वी टू, वी टू को क्या बोलो, एफ डैश ओवर एफ डबल डैश। इसमें कौन से एलिमेंट ले सकते हो, सम एक्स वन एक्स टू एक्स एन एलिमेंट ले सकते हो, यानी कि कोई एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और इसकी डायमेंशन आप सम वाई वन वाई टू वाई एम ले सकते हो, यानी कि कोई एम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है एफ डैश ओवर एफ डबल डैश। तो अगर आप एक बीटा डिफाइन कर रहे हो जो ऐसी है जेड आई जे, जेड आई जे वेयर जेड आई जे इज डिफाइंड एज एक्स आई वाई जे वेयर आई इज रनिंग फ्रॉम 1 टू एन एंड जे इज रनिंग फ्रॉम 1 टू अप टू एम, तो ये किसकी बेसिस बनेगी आपकी, जो आपका नया वाला वेक्टर स्पेस बनेगा एफ ओवर एफ डबल डैश, क्योंकि एफ डबल डैश अगर फील्ड है एफ, अगर एफ डबल डैश सब फील्ड है एफ डैश की और एफ डैश सब फील्ड है एफ की, तो f डबल डैश भी फील्ड बन जाएगी f की, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिटिविटी है ना वो होल्ड करती है, फील्ड के केस में ट्रांजिटिविटी होल्ड करती है। इफ a इज अ सबफील्ड ऑफ b एंड b इज अ सबफील्ड ऑफ c देन a इज अ सबफील्ड ऑफ c, ठीक है। तो जो आपकी इस वाले वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बनेगी या जो बेसिस बनेगी वो क्या बनेगी, सम zij वेयर zij इज डिफाइंड एज xi into yj, i के लिए चॉइस है n चॉइसेस और j के लिए चॉइसेस है m चॉइसेस। तो डायमेंशन ऑफ f ओवर f डबल डैश कितनी जाएगी, n into m हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है तो इसके एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर समझते हैं इसका मीनिंग।
अगर आपके पास मान लो एक वेक्टर स्पेस डिफाइन है C ओवर R डिफाइन है, तो अगर आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? डायमेंशन ऑफ V1 ये आप कैसे निकालोगे? या फिर एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये तो इजी हो जाएगा, थोड़ा टफ बनाते हैं इसको। डायमेंशन ऑफ वी, वेयर वी इज डिफाइंड एज सी स्क्वायर ओवर सी, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या सी स्क्वायर ओवर आर कर लो, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा ये क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ वी, वी इज डिफाइंड एज सी स्क्वायर ओवर आर, तो इसको अगर फाइंड करना है तो पहले तो आप इसको इसके सब फील्ड में तोड़ो। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि सी स्क्वायर या आर इज अ सब फील्ड ऑफ सी एंड सी इज अ सब फील्ड ऑफ सी स्क्वायर। तो आर इज अ सब फील्ड ऑफ सी एंड सी इज अ सब फील्ड ऑफ सी स्क्वायर। अब देखते हैं, अगर मेरे को डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर ओवर आर निकालनी होती है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर ओवर सी इंटू डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर। तो ये लिखना पड़ेगा मेरे को, जो मैंने अभी पहले यूज करा था उसी का ही सिर्फ यूज करा है। तो डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर ओवर आर इज सेम एज डायमेंशन ऑफ सी स्क्वायर ओवर सी इंटू डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर। ये सारे के सारे वेक्टर स्पेस बन जाएंगे क्योंकि ये सब इनकी सब फील्ड है। और मैंने आपको बताया था कि एवरी फील्ड फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। तो अब इसकी देखते हैं, इसकी डायमेंशन कितनी रहेगी सी स्क्वायर ओवर सी की? अभी हमने आर एन ओवर आर निकाली थी, सिंपल वही कॉन्सेप्ट थी, इसकी डायमेंशन 2 हो जाएगी। अब बात है डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर कैसे फाइंड आउट करा जाए, तो सी ओवर आर की बात करते हैं। तो सी ओवर आर के आप एलिमेंट कैसे लिखते हो, जो सी के एलिमेंट होते हैं आप कैसे लिखते हो? सब ए प्लस आई बी, जो ए होता है आपका, वो ए और बी कहां से आते हैं? रियल नंबर से आते हैं। तो ए आर बी आर कमिंग फ्रॉम रियल नंबर। तो जो बी होता है या जो आई बी वाला पार्ट है, ये आपके जो इमेजिनरी नंबर है उनको जनरेट करता है, और जो फर्स्ट वाली एंट्री है वो आपके रियल नंबर्स को जनरेट कर सकती है। तो ए और बी कहां से आ रहे हैं? फील्ड से आ रहे हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ए इनटू 1 प्लस आयोटा इनटू बी। आप यहां के हर मेंबर को इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, ए इनटू 1 प्लस आयोटा इनटू बी। और ए और बी कहां से आ रहे हैं? फील्ड से आ रहे हैं। और 1 कॉमा आई किसके मेंबर है? सी के मेंबर है। तो ये वेक्टर हो जाएंगे। तो इसकी क्या बेसिस ये नहीं बन जाएगी 1 कॉमा आयोटा? यानी कि 1 कॉमा आयोटा से आप हर तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट कर पाओगे ओवर द फील्ड आर, ओवर द फील्ड आर। और अगर ओवर द फील्ड सी बात कर रही है तो सिर्फ 1 ही बहुत है, क्योंकि 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे सी फील्ड में तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू सी, तो सारे वहीं से जनरेट हो जाएंगे। तो अगर आपको रियल फील्ड पे बात करनी है तो आपकी बेसिस क्या बन जाएगी? 1 कॉमा आई। तो 1 कॉमा आई का बेसिस बन गई, तो बेसिस में दो एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट होंगे तो इनकी डायमेंशन 2, तो यहां से इसकी डायमेंशन आ गई 4। अब डायरेक्टली इसकी डायमेंशन नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जो अभी हमने फॉर्मूला से पहले बताया था उस फॉर्मूले को यूज करके इसकी डायमेंशन हम डायरेक्टली बता सकते हैं। तो उस फॉर्मूले से भी बेस पे क्वेश्चन आ जाता है, आपके जैम में तो नहीं आएगा बट नेट में आने के चांसेस हैं, नेट में आने के चांसेस हैं। अब कुछ नोटेशन बताता हूँ, क्योंकि जो लोग एमएससी में है वो लोग तो पढ़ चुके होंगे, बट जो लोग बीएससी कर रहे हैं या बीएससी पास आउट है, एडमिशन में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, उन लोगों को इसका नोटेशन नहीं पता होगा। मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड अप टू सो ऑन, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, इसका ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है कि ये किस चीज का नोटेशन है? वेयर एफ इज एनी फील्ड, एफ क्या है? कोई भी फील्ड है आपकी। तो इस नोटेशन का मतलब क्या होता है? एफ ब्रैकेट में अल्फा बीटा गामा, क्योंकि जो बीएससी वाले लोग हैं या जिन्होंने फील्ड थ्योरी नहीं पढ़ रखी है उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग एफ एंड अल्फा बीटा गामा एंड अप टू सो ऑन, जितने भी आप मेंबर ले रहे हो। तो इस नोटेशन का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग एफ एंड अल्फा बीटा गामा एंड अप टू सो ऑन, यानी कि अगर आपका ये लिखा हुआ है एफ अल्फा, तो इसका मतलब क्या है? द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग एफ एंड अल्फा, स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग एफ एंड अल्फा। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में बात करते हैं, अगर मैं लिखता हूं q root 2 over q, तो
अगर इसकी डायमेंशन के बारे में आपसे पूछूं तो आप इसको कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको q ओवर रूट 2 के मेंबर लिखने आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग q एंड रूट 2, तो अगर रूट 2 उसका मेंबर होगा तो उसके पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसमें आने वाले हैं, तो q उसमें आ रहा है तो q को जनरेट करने के लिए मैंने एक a मेंबर ले लिया, ठीक है, और रूट 2 को भी जनरेट करना है, तो रूट 2 को जनरेट करने के लिए आपको कैसे मेंबर चाहिए, इसके पूरे के पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो a प्लस रूट 2 b, a प्लस रूट 2 b, ठीक है, और आपकी फील्ड कहां से आ रही है, a b आर कमिंग फ्रॉम q, तो ये a b आर कहां से आ रहा है, आपके q से आ रहे हैं, तो a प्लस रूट 2 b, तो q ओवर रूट 2 का मतलब क्या होता है, a प्लस रूट 2 b वेयर a एंड b आर कमिंग फ्रॉम q, तो ये इसके मेंबर है q ओवर रूट 2 के। अब आपको किस फील्ड के ऊपर बात करनी है, q के ऊपर बात करनी है, तो q के ऊपर इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिस मालूम होनी चाहिए, तो आपके यहां के सारे एलिमेंट आप ऐसे लिख पा रहे हो, ये क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, सम a into 1 plus root 2 into b का ही तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, and a are coming from q, where q is field, तो ये आपके फील्ड के एलिमेंट हो गए 1 और root 2, किसके हो गए, ये आपके वेक्टर स्पेस q over root 2 के मेंबर हो गए, तो इसकी बेसिस कितनी हो जाएगी, 1, root 2 इसकी बेसिस हो जाएगी, तो ये इसकी बेसिस बनी, तो इसकी बेसिस में दो एलिमेंट आ रहे हैं, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ q ओवर रूट 2 ओवर q इज 2, तो डायमेंशन ऑफ q ओवर रूट 2 ओवर q इज 2 आ जाएगी। अब देखते हैं, अगर मैं डिफाइन करता हूं q ओवर रूट 2 रूट 3 ओवर q, यानी कि द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग q एंड रूट 2 एंड रूट 3 ओवर द फील्ड q, तो इसके एलिमेंट को आप कैसे लिखोगे, अगर आपको q को जनरेट करना है कोई एक a एलिमेंट ले लीजिए, root 2 को जनरेट करना है तो सम b into root 2 ले लीजिए, क्योंकि अगर root 2 आएगा तो इसके पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसमें आने वाले हैं, root 3 लेंगे तो root 3 के भी ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें आने वाले हैं, तो अगर ये दोनों एलिमेंट आ रहे हैं तो इन दोनों के पॉसिबल जो प्रोडक्ट होंगे वो भी तो इसके अंदर आएंगे, अगर अल्फा इसका मेंबर है बीटा इसका मेंबर है तो अल्फा बीटा भी इसके अंदर आने वाला है, क्योंकि ये फील्ड है, तो अल्फा बीटा इसके अंदर आएगा तो इसका मतलब क्या है, उसके पॉसिबल ये कॉम्बिनेशन भी आएंगे, तो प्लस d इनटू अल्फा बीटा यानी कि रूट 2 रूट 3, तो इस फील्ड को निकालना है हमें किसके ऊपर, q के ऊपर इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, तो a b c d आर कमिंग फ्रॉम q, तो फिर से अगेन ये आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया, तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को कैसे लिखे, a into 1 plus b into root 2 plus c into root 3 plus root 2 root 3 into d, तो a b c d ये आपके फील्ड के मेंबर यानी कि स्केलर्स हो गए, तो 1 root 2 root 3 root 2 into root 3 ये आपके अगेन वेक्टर्स हो गए, तो इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक root 2 आ रहा है, एक root 3 आ रहा है, एक root 2 एक root 3 आ रहा है, तो इसकी बेसिस में कितने, चार एलिमेंट आ रहे हैं, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ q ओवर रूट 2 ओवर रूट 3 ओवर q इज 4, यानी कि ये आपका अपने आप में 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बन रहा है, तो इस तरीके से आप कुछ वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हो, आप रूट 2 रूट 3 इसके अलावा और भी कोई एलिमेंट ले सकते हो। तो आज की क्लास में अपन लोग इतना ही करते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा जहां पे मैं बेसिस के और भी एग्जांपल करूंगा, डायमेंशन तो पॉसिबल आप चिंता मत करो, जितने भी पॉसिबल एग्जांपल्स हैं ना वो सारे के सारे आपको बोर्ड पे मैं करवा रहा हूं, जितने भी पॉसिबल टफ से टफ और सिंपल से सिंपल सारे के सारे को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, जिन्होंने नहीं करा है वो तो कर ही दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।